हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल के इंपॉर्टेंट एक्सपायरी लेवल्स, आप कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, और डिस्कस करेंगे कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो कल के एक्सपायरी के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। देखो निफ्टी में तो ये फुल वीक आपने देखा होगा, मार्केट को शिफ्ट ट्रैप कर रही है, मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, नीचे जा रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है, ऊपर जा रही है, दोनों तरफ से मार्केट ट्रैप कर रही है लोगों को। और राइट, तो कल हमने एक बहुत ही अच्छा ट्रेड शेयर किया था टेलीग्राम पे, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड शेयर किया था टेलीग्राम पे, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए बोला था निफ्टी में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं चेक किया तो चेक कर लो, आप टाइम भी चेक कर सकते हो, और वहाँ से हमें एक अच्छा कल फ्री फॉल देखने को मिला। और आज कोई ऐसी खास ट्रेड हमने ली नहीं निफ्टी में, बहुत ही नीचे गई मार्केट, उसके बाद कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, और मुझे लगता है कल मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 18,350 का। ठीक है, तो 18,350 के ऊपर मार्केट अगर निफ्टी कल बंद होती है तो आप 18,250 के नीचे के पुट्स आप सेल कर सकते हो कल की एक्सपायरी के। ठीक है, तो बहुत ही वॉलेटाइल एक्सपायरी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा जिगजैग मूवमेंट हो रही है, तो 18,250 के नीचे आप लेवल्स कर सकते हो। आप 18,350 अगर मार्केट कल जाती है तो आप 18,250 के नीचे के पुट्स सेल कर सकते हो। और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि 18,300 के नीचे मार्केट आने लग जाए तो अपने पुट्स की पोजीशन को नीचे खिसका देना या अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना। ठीक है, क्योंकि कल काफ़ी वॉलेटाइल सेशन हो रहे हैं, देखो डाउन जा रही है मार्केट फिर अप जा रही है, तो कल हो सकता है कल मार्केट अप चली जाए तो फिर स्पीड से डाउन आ जाए, क्योंकि ये एक्सपायरी में दोनों तरफ से फंस रहे ट्रेडर, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बना के फंस रहे हैं। कल देखो, कल बुलिश हुआ, कल डाउन चली गई, आज गैप अप हुआ, फिर डाउन चली गई, फिर अप चली गई, तो ये जिगजैग मूवमेंट मार्केट में चल रही है, बड़ी सी रेंज है। और मैंने आपको 4-5 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, मैंने शेयर किया था कि 18,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस लेवल का, तो 18,050 के नीचे के एक्सपायरी के पुट्स आप बेच सकते हो। तो फिलहाल मार्केट तो 18,050 का हमारा पुट्स का प्रॉफिट में ही चल रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बट जो करंट आप पास के जो ट्रेडर्स हैं, जो पास के पॉइंट्स पे आप पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए थोड़ा रिस्की है अभी। ठीक है, तो फिलहाल अपनी पोजीशन को देखना कि हो सकता है मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप होने के बाद आप 18,250 के नीचे के पुट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडर्स हो तो आप एक्सपायरी ऑल टुगेदर अवॉइड कर लो। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखो, मैंने 2-3 दिन पहले एक शेयर किया था पोजीशन की, ये कंसोलिडेशन के बाद हम 43,500 के लेवल को टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट डे कल ही हमें मार्केट में यहाँ 43,500 का लेवल हमने देखा टेस्ट हुआ है मार्केट ने। बट उसके बाद देख रहे हो बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आ रही है, देखो एक डाउन आ रहा है फिर अब चली गई मार्केट, और मुझे लगता है कल का कुछ भरोसा नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखो ये सपोर्ट है पास में, देखो ये एक सपोर्ट के पास से बाउंस किया है, बट अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट है। देखो बहुत बड़ा डाउन हो रहा है, अप हो रहा है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर जाएगी तो यहाँ से भी फॉल आ सकता है। ठीक है, और मार्केट नीचे जाएगी तो यहाँ से हो सकता है अग्रेसिव बाइंग देखने को मिल जाए, तो फिलहाल बैंक निफ्टी में हमें कोई एक्सपायरी की ट्रेड नहीं लेनी है सकते। और राइट, तो बैंक निफ्टी अवॉइड करना पूरी तरीके से। और मैंने आज अपने कैनरा बैंक का ट्रेड शेयर किया था, और वो देखो एक्टिवेट नहीं हुआ, ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक ट्रेड शेयर किया था अराउंड इस टाइम पर मैंने ट्रेड शेयर किया था, ये कैंडलस्टिक के नीचे का हमने ट्रेड शेयर किया था कि इसके नीचे जाती है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे कैनरा बैंक में, बट मार्केट हमारा ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ऑलराइट, तो आज फिलहाल कोई ट्रेड हम ली नहीं कैनरा बैंक में, और ना तो कोई निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की वीडियो आप देख सकते हो नेट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं जल्दी।